नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बुध का प्रवेश मकर राशि में, और खास करके कहा जाता है कि वक्री अवस्था में बुध मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, क्या फायदा देंगे आपको या फिर कोई नुकसान की घंटी तो नहीं बजा रहे? संकेत क्या दे रहे हैं समझने की बहुत जरूरत होती है। जब जब ऐसे प्लेनेट उनका गोचर कुछ ऐसी जगहों पर होता है जहां कहा जाता है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये दशम भाव हो जाता है, टेंथ हाउस, हमारे कार्य का हाउस, हमारे बिजनेस का हाउस। और वहीं अगर एस्पेक्ट देता है हमारे फोर्थ हाउस को, यानी हमारी सुख सुविधाओं का हाउस भी होता है, वो भाव भी होता है। तो ऐसे में मैनेजमेंट के कारक, आपके मार्केटिंग के कारक, आपकी बुद्धि के कारक, आपकी वाणी के कारक और धन के कारक भी कहे जाते हैं, और आप कुछ एक हिस्सों के बिजनेस के कारक भी कहे जाते हैं। ऐसे में बुध का गोचर आपके लिए, ट्रांजिट आपके लिए क्या फायदा देने वाला है, समझने की बात है। अपनी अपनी राशियों के बारे में जरूर समझ ले, जरूर जान ले। मेष राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये गोचर जो है ये 4 तारीख को रात को 10:40 पर होने जा रहा है, तो उसके बाद आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है। चलिए मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि से आपके लिए तो दशम भाव में ये गोचर हो रहा है, यानी टेंथ हाउस में बिजनेस का हाउस, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है, बहुत कार्य अच्छा हो सकता है। काम में थोड़ा थोड़ा सा तो आपको कहीं कहीं हो सकता है हल्का फुल्का सा डाउनफॉल देखने को मिले, लेकिन एट द एंड आपके कार्य बन सकते हैं, तो अच्छे काम आपके लिए हो सकते हैं। खास करके कहा जाता है कि अगर आपके प्रॉपर्टी के बारे में कुछ आपने सोचा है, माइंड में कुछ भी चल रहा है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो खरीद लीजिए, ये समय आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। वृष राशि की बात कर लेते हैं, तो 9th हाउस यानी नवम भाव में ये गोचर हो रहा है, ये ट्रांजिट हो रहा है, तो ये नवम भाव आपके लिए डेस्टिनी, भाग्य, भाग्य में कितने 4 चांद लगाएगा। थोड़ी थोड़ी से काम आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि बड़ों की सलाह अगर लेंगे तो आप बहुत सुरक्षित रह सकते हैं। यही एक ऐसे समय होता है जहां कहा जाता है कि बड़ों की सलाह जरूर लेकर के किसी भी कार्य को करना चाहिए, और वहीं हम चूक कर जाते हैं तो फिर हमारे लिए परेशानी हो जाती है। धार्मिक मुद्दे बहुत उठ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अपना बीच में कहीं भी घुसने की कोशिश की, बेवजह घुसने की कोशिश की, तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो धार्मिक मुद्दे जहां ज्यादा बन रहे हो, उछल रहे हो, वहां से थोड़ी सी दूरी बना करके रखिएगा। वृष राशि के बाद आप बात करते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी की बात करते हैं। जेमिनी वालों, आपके लिए तो ये अष्टम भाव यानी 8th हाउस में ये गोचर बन रहा है, ये ट्रांजिट है, तो ऐसे में आपने 8th हाउस यानी अचानक घटना, वाणी के कार्य को जब कहा जाता है कि अष्टम भाव में तो कुछ भी बोल देते हैं ऐसे लोग, समझ में ही नहीं आता क्या बोलते, और कई बार क्या होता है कि अच्छा भी बोलने का प्रयास करते हैं तो सामने वाले को ही समझ में नहीं आता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और बात इतनी बिगड़ जाती है कि कंट्रोलिंग की सिचुएशन नहीं रहती है। तो ध्यान रखिएगा, हाँ ये कर सकते हैं, आपकी गुप्त प्लानिंग अगर आप कोई करना चाहते हैं आने वाले समय के कार्य के लिए, तो वहां आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, वहां आपको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। तो आने वाले समय के लिए आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। कर्क राशि यानी कैंसरियन की बात करते हैं। कैंसर आपकी राशि के लिए तो 7th हाउस यानी सप्तम भाव में ये ट्रांजिट है, ये गोचर है, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो बहुत समय बिताने का टाइम भी मिलेगा, बात भी अच्छी रहेगी, और जो खाली डिस्प्यूट काफी समय से ज्यादा चल रहे थे तो वो भी थोड़े से कम होने की गुंजाइश है। लेकिन पार्टनर के साथ भी आपका, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, कार्य करते हैं, तो वहां भी आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बट थोड़ा सा एक चीज का वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि वाणी के कार्य में थोड़ा सा संयम रखिएगा, बाकी सारी चीजें आपकी सही हो सकती है, लेकिन वाणी के चलते हो सकता है आपसे कुछ गड़बड़ निकल जाए मुंह से, फिर दोबारा से सिचुएशन बिगड़ने की कगार पर आ सकती है, तो आपको खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। तो बोलने से पहले जरा सोच समझ लीजिए कि क्या बोलना है। सिंह राशि की बात करते हैं। लियो यानी आपके लिए तो 6th यानी 6th भाव में ये गोचर है, ये ट्रांजिट आपका 6th हाउस में हो रहा है, अचानक कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कॉम्पिटिटर आपको वैसे परेशान करने लगे, बट आप संभाल लेंगे सिचुएशन, बट आपको रोग को लेकर के थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कुछ पुरानी ऐसी बीमारी जो आपको लगता है कि अब ठीक हो चुकी है और उसके प्रति आप अलर्ट होना छोड़ दिया है, अब आप बहुत रिलैक्स हो गए,
वो बीमारी आपको घेर सकती है फिर से, तो वहां ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ऐसा कोई डिजीज, ऐसी कोई समस्या आपके साथ पहले हो चुकी है तो उसके ऊपर ज्यादा रुझान ध्यान रखने की जरूरत है, यानी उनके प्रिकॉशंस आपको लेकर के रखने पड़ेंगे। डॉक्टरी सलाह आपने जरूर लेनी है, लेकिन एक चीज का बताते हैं कि जहां नजर हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, तो इसलिए अटेंटिव रहने की भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। कन्या राशि की बात कर ले तो आपके फिफ्थ हाउस में यानी पंचम भाव में ये गोचर है, एजुकेशन के मामले में तो आप सही रहेंगे, उच्च शिक्षा के आपके अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप कोई हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय कर सकते हैं, और खास करके हायर एजुकेशन को लेकर के अगर कोई एग्जाम आ रहा है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ रहा है, तो वहां आपकी सक्सेस साफ साफ झलक रही है। आपकी बहुत समय से अगर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि आपकी पढ़ाई पर ही वार हो रहा था, किसी ना किसी कारण से पढ़ाई आपकी छूट रही थी, तो वो समय अब आपके जिंदगी में नहीं आएगा, यानी आपके लिए अच्छा है ये कुछ दिन, जितने दिन का ये ट्रांजिट है, तो ये समय आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। वाद विवादों से जरा बच करके रहिएगा, कि दूसरों की लड़ाई में कूदेंगे तो वहां आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है और हो सकता है आपके रिश्ते भी खराब हो जाए। तुला राशि यानी लिब्रा की बात कर लेते हैं तो चतुर्थ हाउस यानी फोर्थ हाउस में ये गोचर है, तो धन की वृद्धि, नई डील आपको हो सकती है, खास करके माता जी के साथ जो विवाद चल रहा था ना, बहुत समय से चल रही थी, खींचतान चल रही थी, वो खींचतान आपकी खत्म होगी, वो सिचुएशंस जो है अभी कंट्रोलिंग में रहेगी, अच्छे काम होंगे, बड़े बड़े काम हो सकते हैं, बड़े विद्वानों के साथ आपको मिलने का मौका मिल सकता है, कुछ विचार साझा करने का मौका मिल सकता है आपको। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं यानी स्कॉर्पियो वाले, आपके लिए तो तृतीय भाव में ये गोचर है, तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हो सकता है रिजल्ट आपको थोड़े से कम मिले, क्योंकि वक्री है बुध, थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ देने में दिक्कत करेगा, बट आपने अपने होशो आवास को नहीं खोना है। ध्यान रखना है कि आपके माइंड के अंदर बड़ी सोचने की बड़ी सॉलिड शक्ति है, उस सॉलिड शक्ति को जरा बना करके रखिए, यही समय है जहां आपको अपनी सोच का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं, तो उलझने आएंगी लेकिन सुलझाने के तरीके भी साथ साथ आ सकते हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस आपके लिए तो द्वितीय भाव में ये गोचर हो रहा है, धन बढ़ाने के योग बन रहे हैं, धन बढ़ेगा लेकिन धन का खर्च भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, खर्च पे तो आप कंट्रोल सकते हैं, एक बार धन आना तो शुरू हो जाए, बहुत अच्छे से धन आए तो आपके पास। हाँ, एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी बना रखे, चौकन्ने रहे, अटेंटिव रहे, वहां जाकर के कहीं धन का नुकसान आपका हो सकता है, अगर आप अटेंटिव नहीं हुए, आप चौकन्ने नहीं हुए, तो दिक्कत परेशानी तब जाकर के हो सकती है, अगर आप अपनी चीजें संभाल करके रखेंगे तो वहां भी आपको दिक्कत नहीं होगी, तो इसीलिए आपको अपने धन की तरफ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वाले आपके लिए थोड़ी सी चीजों को संभालने की जरूरत है, क्योंकि आप ही की राशि में ये गोचर है, बुध का गोचर है, और खास करके कहा जाता है कि रेट्रो प्लेनेट का गोचर जब आपकी राशि में, तो आपको किन चीजों का खास करके ध्यान रखना है, अचानक कुछ ऐसे सिस्टम, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, खास करके कुछ बदनामी के घेरे में आ सकते हैं, कोई आपकी बात को उछाल सकता है, या कोई पुरानी बात है जिसके चलते लेकर के आपको कोई इमोशनली हर्ट करने का प्रयास कर सकता है, तो आप अपना धैर्य ना खोए, वैसे तो धैर्य वाले होते हैं ये, क्योंकि शनि के राशि, शनि इनके लॉर्ड होते हैं इस राशि के, बट फिर भी जब वो रेट्रो प्लेनेट कहीं ना कहीं आस्पेक्ट देते हैं आपको, आप ही की राशि में आ रहे हैं, तो कुछ उथल पुथल जो है वो जल्दी मचना शुरू हो जाती है, तो बेवजह के जो विवाद है उनमें आप थोड़े से उलझ सकते हैं, अननेसेसरली की बात कहीं से घूमती घूमती आपको पता चल सकती है कि आपके बारे में बहुत कुछ उछाला जा रहा है, बड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, उछाल ले दीजिए, उन्हें उनके काम करने दीजिए, आप अपने मस्त होकर के अपने काम की तरफ ध्यान रखिएगा, अपने फोकस बना करके रखिए, ताकि आपके काम में नुकसान ना हो, बेवजह की चीजों से जरा संभल करके। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात कर लेते हैं, तो आपके 12th हाउस यानी 12वें भाव में ये गोचर है, तो धन का नुकसान, व्यय हो सकता है, लॉस हो सकता है, बेवजह की परेशानियां हो सकती है, हॉस्पिटलों के चक्कर लग सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके लिए बड़े ज्यादा संभलने की जरूरत है, आपको बहुत अटेंटिव रहने की जरूरत है, खास करके आपके धन के मामले में, आपके काम के मामले में, अपनी हेल्थ के मामले में। सोशलाइज करने का बहुत ज्यादा आपको इस समय मौका मिलेगा, लेकिन जहां बचने की जरूरत है वो है अपने हेल्थ इश्यूज को जरा संभाल करके रखिए, कोई दिक्कत हो इमीडिएट आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि डॉक्टरी चक्कर लग ही सकते हैं, बट उसमें घबराइए नहीं, क्योंकि बीमारी जो है बड़ी आराम से पकड़ में आ जाएगी,
तो बेवजह की थोड़ा सा भाग दौड़ हो सकती है आपको। मीन राशि की बात कर ले तो आपकी राशि से एकादश भाव यानी पाइसियन वालों के लिए 11th हाउस में ये गोचर है, आपके लिए इनकम की वृद्धि करेगा, एकदम से इनकम बढ़ाने की कोशिश होगी, कुछ नए आपको सोर्सेज मिलेंगे जहां से आप धन कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बेवजह की परेशानियों से दूर रह सकते हैं। बहुत सारे आपको कंसंट्रेशन करने की जरूरत है, थोड़े अपने माइंड को एकत्र करने की जरूरत है, जो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए, उसको फोकस करते हुए अपने जीवन का एक दिशा तय कर लीजिए। यकीन मानिए धन की भी वृद्धि होगी और आपके स्टेटस की भी वृद्धि हो सकती है। तो ये तो था हाल राशियों का और बुध का गोचर मकर राशि में, किन राशियों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिएगा। हाँ, हम जरूर कहेंगे कि जितने दिन तक का ये गोचर है उतने दिन तक आपने कम से कम 20 दिन लगातार ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का जाप किया कर, और हरी इलायची हमेशा अपनी जेब में रखें, 6 इलायची रखनी है हमेशा अपनी जेब में रखें। ये 20 दिन आपके लिए बहुत फायदे के साबित भी हो सकते हैं और आपको हर घटना से बचा भी सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट भी आप फिक्स करवा सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।